शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलीकॉप्टर चला क्यों गया? Yes, डॉक्टर! हेलीकॉप्टर क्यों चला गया? वो लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। रोते नहीं, बस बस बस, नहीं नहीं रोते नहीं, तुम लोग हटो वहां से। नहीं नहीं, तुम बच्चा मत करो। नहीं रोते नहीं बेटा, रोते नहीं।
हेलो इडियट, तेरे बाप को फोन दे। सर फिर वही फोन। नहीं, आप फोन मत लीजिए। तुम चुप रहो, मैं उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। लाओ मुझे दो। मैं खन्ना बोल रहा हूँ। माल नहीं पहुंचा? मैं अपने खून पसीने की कमाई से तुम्हें एक धेला भी देने वाला नहीं हूँ। प्लीज कह देना अपने लाला को, मुझे धमकाने की कोशिश ना करे। लाला की पहुंच दूर तक है। अरे मेरी पहुंच भी बहुत दूर तक है, समझे? पहला उठा था दादा, बुखार उतर गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूं दादा, मैं स्वेटर पहन लेता हूं। दादा मैं आपका भाई हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। वो खन्ना को फोन किया था, तीन बार फोन किया, फोन आया ही नहीं फोन पे। बाद में मैंने आपका नाम लिया तो फोन पे आया। वो बोलता है हम लोग ऐसा डरने वाला नहीं है। ऐसा डरने लगे तो बोलता है बंद हो गया हमारा इंडस्ट्री धंधा। बोलता है हमारा भी बहुत कांटेक्ट है, होम मिनिस्ट्री की बात कर रहा था। वो डरने वाला लगता नहीं है वो। डर की कोक से ही तो ईश्वर ने जन्म लिया है। जुर्म और धर्म का धंधा डर के बल पे ही तो चलता है। डरना तो पड़ेगा उसे। ये फोटो रख, उसकी है। ला ला मुझे दे ला। आज इसको चला। मैंने मंत्री जी से बात कर ली है, वो सिक्योरिटी और बढ़ा देंगे।
खलास। मुझे छोड़ के चले गए। मिस्टर खन्ना की हत्या से सारा शहर दहशत में है। सुपारी किलिंग रैकेट के बारे में पुलिस अब तक कुछ पता नहीं कर पाई है। इस महीने की ये सातवीं हत्या है। शहर के सारे बड़े उद्योगपतियों ने होम मिनिस्टर से अपनी सुरक्षा के लिए अपील की है। अगर इसी तरह मुंबई में हत्याएं होती रही ये 5,000 तो बहुत जल्द कई इंडस्ट्रीज और बाकी के सूर्या को देना, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं पूछता हूँ, ये सब हो क्या रहा है? 5 बिल्डर, 3 होटल के मालिक, 1 हीरो का व्यापारी, 1 फिल्म प्रोड्यूसर, 2 मिल ओनर, 1 इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इस मुंबई शहर के उन पूंजीपतियों की लिस्ट है जिनकी हत्या हुई है, क्योंकि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर को उनकी मुंह मांगी रकम देने से इनकार कर दिया था। तुम लोगों के जहन में ये बात क्यों नहीं घुसती है कि हमारे देश की 30% आमदनी इस मुंबई शहर से आती है और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ही आपके जिम्मे नहीं है बल्कि आर्थिक स्थिरता भी है, और इन दोनों मुद्दों को लेकर कल पार्लियामेंट में हमारी नाक कटने वाली है। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, मुझे कोशिश नहीं उपाय चाहिए, उपाय। जय शिव शंकर। इंस्पेक्टर अमर। सर, मैं इंस्पेक्टर सिंह जोन नंबर 27 से बोल रहा हूँ। बोलो। यहाँ रूबी टावर के 21वें माले पर पाशा और उसके साथियों ने एक परिवार को अपने कब्जे में ले लिया है। सर, वो लोग 1 घंटे के अंदर 5 करोड़ रुपए और 1 हेलीकॉप्टर की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें को हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। ओके सर। अभी हेलीकॉप्टर चला क्यों गया? इंस्पेक्टर, हेलीकॉप्टर क्यों चला गया? वो लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। We'll be right back.
अमर, इतने कम अरसे में जिस तरह तुमने इतने खतरनाक गैंग का सफाया किया है, इसके लिए कर्नाटक सरकार हमेशा तुम्हारी एहसान मंद रहेगी और मैं होम मिनिस्टर साहब से मेडल के लिए तुम्हारी सिफारिश जरूर करूंगा। मुझे मेडल की क्या जरूरत है सर, वैसे ही सरकार बहुत कुछ दे देती है हमें। क्या दे देती है? 5786 रुपए पर मंथ। पर मंथ 5,000? यू मीन सैलरी? सॉरी, आई एम लेट। आओ आओ। अमर, मीट मिस्टर विनोद तलवार, ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं और खास तौर पर तुमसे मिलने यहाँ आए हैं। ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नाइस मीटिंग यू सर। अमर, मगरमच्छ का शिकार दो तरीके से किया जाता है, एक किनारे बैठकर इंतजार करते हुए, दूसरा पानी में छलांग लगाकर उसके पास जाकर। सर, अब हमारे समाज को निगलने वाले ये मगरमच्छ इतने चालाक हैं कि वो कभी किनारे पर नहीं आएंगे। उनका सीना चाक करने के लिए तुम्हें ही गहरे पानी में उतरना पड़ेगा। सर, मुंबई की हालत बहुत ही खराब हो गई है, सुपारी किलिंग का ये रैकेट बहुत तेज से बढ़ रहा है। सर, अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं ये लोग। सर, इन हथियारों का सफाया तुम्हें उनकी दुनिया में घुसकर करना पड़ेगा। सर, मैं यहां सिर्फ तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी की बात सुनकर नहीं आया, बल्कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा बचपन मुंबई की इन गलियों में ऐसे लोगों के बीच में गुजरा है। और दूसरी बात, मुंबई का अंडरवर्ल्ड तुम्हें पुलिस वाले के रूप में नहीं पहचानता। सर, कम यह फाइल है खन्ना मर्डर केस की। दिन दहाड़े जिस तरह से यह हत्या की गई है, पूरे शहर में दहशत फैल गई है। तुम उसके कातिल को ढूंढो सर, और जरूरत पड़े तो उनका खात्मा कर दो सर। और ध्यान रहे, तुम पुलिस वाले हो मुंबई में, यह बात तुम्हारे अलावा मैं और मेरे कुछ आदमी जानते हैं सर। ओके, ये लो। थैंक यू सर। लगता है पहली बार यहाँ आए हैं साहब। रॉन्ग, आपुन यहीं पैदा हुआ था। अच्छा, कौन से एरिया में साहब? फुटपाथ पर। ये यहाँ राइट में, यही गली के साहब। इधर? अरे ये शरीफों का एरिया नहीं है साहब, इधर तो पुलिस भी आने से डरती है। जानता हूँ। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ए, कहाँ जा रहा है? चल ना, सारी रात से एक भी ग्राहक नहीं आया, साला अपना धंधा इच नहीं हुआ, चल ना। नहीं देख, उस दल्ले को पैसा नहीं दिया तो कल से मेरे को इधर धंधा नहीं करने देगा, मेरी बच्ची भूखी मर जाएगी, चल ना। पैसे तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, मगर अगर मगर मत कर, कम पैसे में अच्छे से बिठाऊंगी, चल ना। तुम्हें एक काम करना होगा, ये पट्टी मेरी आंखों में बांध दो। खाली पट्टी बांधने का पैसा देगा? पहले बांधो तो सही। अब जितने पैसे निकालने हैं निकाल लो, और याद रखना हा? ये पैसे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए, समझी? अरे जोगू भैया, अरे जोगू भैया, अबे पट्टी क्यों बांधी? पट्टी क्यों बांधी? अमर, अगर तुझे पुलिस से बचना है तो बंद आंखों से इन गलियों को पहचानना सीख, समझा? राइट। अरे ये तो वही दीवार है।
एक दो तीन चार पाँच छः सात, अरे तब तो हाथ छोटे थे, यहाँ यहाँ, अच्छा यही है। कोशिश की, मुझे सिर्फ हवा ही निकलती है। हंसता क्यों है? सीटी बजानी नहीं आती। ए राजा, इसे तो सीटी भी बजानी नहीं आती। ए राजा, ए राजा, क्या तू और अमर मेरे बहन के साथ मस्ती कर रहे हो? वहाँ तेरे भाई जग्गू ने हम सबको बुलाया है। चलो चलो, जल्दी चलो, चलो। सूर्या, अमर, वापस आ जाओ। अमर, अगर फिर तुम जग्गू के साथ गए तो आज से तेरी मेरी कटी। अमर, अरे जग्गू भैया कहाँ मर गए थे तुम साले सब के सब? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, चलो ओपेरा जाना है ब्लैक करने। पर वहाँ पर वो बादशाह होगा तो? वो तो कहीं दारू पी रहा होगा किसी अड्डे पे। हाँ चलो फिर। हाँ तो चलो। अरे स्टॉल का 25, बालकनी का 50, स्टॉल का 25, बालकनी का 50, एक टिकट बाकी है, बाकी सब चल चल चले। ए धंधे का टाइम पे खुटी नहीं, चल 2.50 की नोट दे दो दे, या तो वल्टास मार। चले चोर चोर, ए छोड़ा चोर, ए राजा, ए राजा, हम कह दिया मैं ब्लैक नहीं करने का, ए छोड़ो ये, ए छोड़ चले। अरे बेवड़ा अंकल, क्या 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 देख रहा है तू? हाँ क्या 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 देख रहा है तू? एलफून को खुली आंख से कुछ नहीं दिखता है और तेरे को बंद आंख से दिखता है। ए तू किसको ढूंढ रहा है रे? खुद को। ए देना थोड़ी सी, देना रे, देना थोड़ी सी। इसमें ये ले, एक नोट और देना। एक अंकल, नोट अंकल नहीं, अंकल नहीं, बिल्कुल नहीं अंकल, बिल्कुल अंकल नहीं, बोला ना नहीं, क्या कर रहे हो अंकल? नहीं नहीं अंकल, अंकल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को सिर्फ एक नोट। चलो नमस्ते, ये है कौन? ये हैं? ये तो करीम दिखता है, गटर में पड़ा हुआ था ना, इसलिए बहुत दिनों से दिखा नहीं। ए हीरो, ए तू ये एरिया में नहीं लगता है, हैं? कौन है तू? ये बैग में क्या है?
कैसे नहीं देगी? चल चल सीधे से मेरा हफ्ता दे, नहीं तो चप्पल मार के तेरा थोबड़ा तोड़ डालूंगा। अरे जाओ साले भड़ुए, तू क्या मेरा थोबड़ा तोड़ेगा? रान की कमाई खाने वाले, हाथ लगा के देख, हाथ तोड़ देगी मैं तेरा। देख चंपा, मैं तेरे को सीधी तरह से समझा रहा है, मेरा हिस्सा दे दे, नहीं तो धंधे की कसम यहाँ गिराक लाने तेरे बंद कर दूंगा ना, फाको करेगी, भूखो मरेगी। हाँ हाँ कर लूंगी मैं फाका, मर जाऊंगी मैं भूखी, पर तुझे एक पैसा नहीं देगी। अरे ये रान की कमाई नहीं है, मेरे बच्चे के लिए उस शरीफ आदमी ने दिया है मेरे को। अरे तेरे शरीफ आदमी की तो मैं और तो पे हाथ उठाना बुरी बात है। यही है वो शरीफ आदमी जिसने मेरे को पैसा दिया था। अच्छा तो ये है आपके नए यार। अबे मेरे को काय को मार रहा तू? तो का पैसा करता है? एक बाप का पैसा निकल जरिस कर रहा है। तेरे बाप को लेके आता हूँ मैं। अबे अपने बाप के बाप को जाके लेके आ। लेके आऊँगा। देखता हूँ मैं। ये ना पकड़ अपनी गंदी चप्पल निकल यहाँ से। चल फुटास की गोली है मैंने। चल जरिस कर रहा है। सौ की चाल। सौ तो ज्यादा है, हार जाएगा तो? तेरे बाप का पैसा है क्या? साली। ए, केल। एक सौ। मेरा भी सौ। मेरा भी सौ। देखा सबका सौ सौ। अब क्या करेगा तू? सौ। ताए सबके बड़े गरम पत्ते हैं। फंस गया तू? फंस गया? पैक। मैं भी पैक। ये आखिरी दो नोट है, शुक्र। एक दो तीन। फिनिश, अपुन खलास। देखा मैंने बोला था ना हारेगा, सुनता नहीं है मेरी बात। अरे साली सर पे खड़ी रहती है ना, इसीलिए हार गया। हाँ मेरी वजह से हारा। अच्छा सॉरी सॉरी, ये ले 500 रुपया, तू जा खेल। नहीं चाहिए। क्यों, तू मुझे लाओ नहीं करता? अरे करता है मगर तेरे पैसे से नहीं। क्यों, क्या बात है? तेरा मेरा अलग है क्या? हाँ अलग है। मेरी धंधे की कमाई है इसलिए ना? हाँ। ए साला, मेरी धंधे की कमाई लेते हुए शर्माता है तो धंधे पे क्यों जाने देता है? शादी क्यों नहीं बना लेता मुझे? हाँ बोलना, क्यों नहीं बनाता शादी? अरे साले, फिर चालू हो गई? फिर चालू हो गई? मारेगा मुझे? मारना, मारना मुझे। क्या करेगा? मार मार। राजा राजा, शेट्टी के बाहर पे अभी एक आदमी ने क्या मारा है, देख क्या धुलाई के लिए, अभी तो चल और उसकी धुलाई कर डाल यार। कौन है वो? अरे कोई नया पंछिया यार। नया है? हाँ। साले का टुकड़ा टुकड़ा कर डालेगा। शाबाश। 500 निकल। 500? राजा बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, निकल। एक दो तीन चार पांच, हक्का भाई तेरे को हक्का है। ले 500 संभाल, अभी आया। राजा आजा, आजा राजा आजा, ये देख ये आदमी ने मेरे को मारा, और ये रान, तू एक काम कर, ये 500 रुपया और ले और धुलाई कर, मार मार इस आदमी को। शाबाश राजा, ये 500 रुपए और ले और फोड़ डाल साले को। तू चुप कर बे, चल उसकी सूरत देख, तुम दोनों को मार डालेगा, चल ना। यो मेरे शेर, स्टॉल का 25, बालकनी का 50, एक टिकट बचा है, बाकी सब खलास। देख मैंने बोला था तेरे को, अभी भी वक्त है, चल चल भाग। खलास, आजा आजा। ऐसा गुस्सा तो सिर्फ अमर ही मार सकता है। अमर, साले पहचानने में इतनी देरी? अमर। ए राजा, ए तेरे को क्या, इसको 1500 रुपए गले में लगो दिया था क्या? अरे साले, किसको मारने के लिए मुझे भेजा, मेरे दोस्त को? हाँ
ये ले अपने पैसे और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत मार पड़ने वाली। चल निकल। बोलूंगा जग्गू भैया को। राजा सूर्य और जग्गू भैया कैसे? सब साले ठीक है। ए राजा अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा? इंट्रोड्यूस नहीं इंट्रोड्यूस। हाँ क्या फर्क पड़ता है? ए राजा आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू। इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलती है? चल फट। ए राजा आती है अंग्रेजी इसलिए बोलती हूँ तेरे को क्या? ए झगड़ा मत कर चल जा। बैठो बैठो बैठो। माय नेम अमर। माय नेम नाइस मीटिंग यू। हो गया ना तेरा इंट्रोडक्शन। चल चल निकल। जाती हूँ तेरी तरह फालतू नहीं हूँ। वैसे भी मेरा धंधा इससे तो अच्छा ही चलता है। आप धंधा क्या करती है? तू काय को पूछ रहा है? नहीं क्योंकि मुझे भी धंधा करना है। मेरे पास भी कोई धंधा नहीं है। ये तू हंसता क्यों? अमर तू ये धंधा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे बोला ना नहीं कर सकता। ए तू अंदर जा जा। जाती हूँ। ये राजा दरवाजा खुला रखूंगी जल्दी आना। हाँ दरवाजा खुला रखूंगी। आजकल करता क्या तू? हे मामा उधर देख देख। खलास। वो खन्ना है ना उसको भी अपन ने ही टपकाया। हाँ और सूर्या? सूर्या हाँ मिलना चाहता है। हाँ चल चला। वो देख साला कोई नया डील कर रहा है। कौन सा वाला? अरे यार को मेरे साथ धंधा करने का क्या नहीं कबूतर? ए सूर्या भाई अरे इसको चला के देखो ना मालूम पड़ेगा तुमको। साणे बहुत शानपति कर रहा है। सबसे पहले तेरे को डालता हूं मैं देख। ए पुलिस सूर्या बड़ा खतरनाक ऑफिसर है। सब पकड़े गए लाला जग्गू मैं सब क्लास। मैंने क्या किया? तू सूर्या है ना? हां साहब। ये तेरा दोस्त है ना? हां साहब। जग्गू तेरा दोस्त है? हां साहब। पूजा तेरी बहन है? हाँ साहब। जब ये तेरा दोस्त है जग्गू तेरा दोस्त है पूजा तेरी बहन है तो मेरे को पहचाना नहीं तूने? अबे ये देख अमर। अमर तेरे बचपन का दोस्त अमर। अमर उधर साले का पुदर 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 साले का अमर आजा आजा। अरे तू कहाँ था यार इतने साल कहाँ था? अरे दुबई चला गया था भाई। अरे जग्गू भैया भी आए। तो क्या अफीम खाता है क्या? हाँ उधर क्या गांजा फूकने को गया था? क्यों मारा बिचारे दल्ले को? क्यों अपना हाथ खराब करता रे? जग्गू भैया उसको मैंने मारा था। तो कौन है रे? ये कौन है? ये कौन है रे? अमर तू रोज आया कर यार। जग्गू भैया पार्टी देगा। ओ भाई ये सुर में आ गया है। अब ये कुछ बॉटल बॉटल फेंकेगा जो निकलो यार। सही बोलता है जग्गू भाई सही बोलता है भाई। मत मार यार। सूर्या क्या है भाई? पूजा कहाँ है? पूजा? हाँ
ट्रेनिंग सर। थैंक यू सर। जी मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं मिट्ठू, लाला का भाई। हाँ, तो मैं अंदर आना चाहता हूँ तुम्हारे पास। हाँ, देखिए मैं एक अकेली लड़की हूँ, इस शहर में रोटी कमा रही हूँ, मेहरबानी करके मुझे परेशान मत कीजिए। हाँ, मेरे पास आप जैसों के लिए वक्त नहीं है। अरे लेकिन हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। सुनती हो? देखो नाराज मत होना। दोस्त एक मिनट। लड़की रात के 2 बजे मुंबई की सड़कों पर अकेली घूम सकती है, वो तुम जैसे 2-4 को घुमा भी सकती है। बोल मेरा पीछा क्यों कर रहा था? बोल वरना गर्दन काट दूंगी। बोल। कौन हो तुम? सीटी तो पहचान ली मगर सीटी बजाने वाले को अभी तक नहीं पहचाना। अमर? अमर तुम कहां से आटम के? ये चोरी बंद करोगी तो बताऊंगा ना कहां से टपका। <पुछा। laughs> तो फिर क्या हुआ? उस हादसे के बाद जब मैं बच्चों की जेल से बाहर निकला तो मेरी मुलाकात एक भले आदमी से हुई, वो मुझे दुबई ले गया। दुबई जाके मैंने एक वेल्डर की नौकरी कर ली, बहुत पैसा कमाया मैंने। और हाँ, उसी दौरान मेरी मुलाकात रूपा से हुई। रूपा? हाँ मेरी बीवी। तुम्हारी शादी कब हुई? मैंने बताया नहीं? नहीं। अरे 5 साल हो गए मेरी शादी को। बहुत सुंदर है, बहुत याद आती है मुझे। और पिंकी का तो जवाब ही नहीं। पिंकी? मेरी बेटी। ओह, वो भी नहीं बताया? नहीं। बिल्कुल तुम्हारी जैसे, नाक आंख कान बिल्कुल तुम्हारी जैसे। और गुस्सा तो हमेशा नाक पे चढ़ा रहता है। और ये कद है उसका। नाइस। ठंडा पियोगी? नहीं थैंक यू। पी लो यार। नहीं, कुछ नहीं चाहिए ना। ओके। सूप कुछ ज्यादा गर्म नहीं? वैसे आजकल कर क्या रही हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐश की जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। रात को 3-4 घंटे के लिए काम करती हूँ, दिन में बस आराम ही आराम। इट्स अ वेरी गुड लाइफ अमर। मैं बहुत खुश हूँ रियली। शादी की तुमने? शादी करने की क्या जरूरत है, चाहने वाले तो बहुत है। चाहने वाले या चाहने वाला? चाहने वाले। ले ओके। झूठ। झूठ कौन बोल रहा है? तुम। मैं झूठ क्यों बोलूं भाई? हाँ क्यों बोलूं झूठ? तुम अब भी वैसी की वैसी हो जैसे बचपन में छोड़ गया था। अब भी आंख मिलाकर झूठ नहीं बोल सकती तुम।
छोटी छोटी बातों पे चढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, बचपन जाकर भी जाता नहीं कभी। मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं से तुम्हें क्या? तुम जाओ पिंकी या रूपा के पास जाकर ऐश करो दुबई में। मुझे यहाँ सूप क्यों पिला रहे हो? पूजा मेरी बात तो सुनो। अरे सूप तो पी लो। अरे 25 रुपए का सूप है पूजा। 25 रुपए का सूप? ये लो 50 रुपए। अरे पैसे क्यों फेंक रही हो? दुबई में काम आएगा। अरे पूजा मेरी बात तो सुनो। पूजा अरे सुनो। अरे ना कोई पिंकी है ना कोई रूपा है। अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। Very funny, very funny. Sorry, sorry. पूजा मेरी बात सुन। पूजा नहीं। यादें कितनी यादें दिल में जागी है। ये लो। ओके। पूजा एक बात बताओ, तुम और सूर्या एक साथ क्यों नहीं रहते हो? अमर बचपन में सुनी हुई उस राजा की कहानी याद है जो काले गुलाब की तलाश में निकलता है और उसे कहा जाता है कि सफर में अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो पत्थर बन जाएगा। याद है मुझे, बेवकूफ था वो राजा। उसकी बुराइयां उसे अपनों की आवाज में पुकारती थी और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर बन गया। अमर मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को सूर्या से काटकर अलग किया है। अमर जग्गू, राजा, सूर्या सब सड़ गए हैं, गल गए हैं वो। पूजा, अगर जिस्म का कोई हिस्सा गल जाए तो उसे काटकर फेंकते नहीं है, उसका इलाज करते हैं। डूबने वालों को बचाने जाओ तो खुद डूब जाओगे। बचाना तो पड़ेगा ही, आखिर अपने हैं वो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है अमर, कोई नाता नहीं है। खन्ना पर गोली चलाई राजा लोखंडे ने, हथियार पहुंचाया सूर्या ने, राइट सर, और सुपारी ली जग्गू लोखंडे ने, करेक्ट सर। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है, मुजरिम का नाम सुनते ही गोली चला देने वाला अमर मुजरिम को पहचान कर भी उसे पकड़ता क्यों नहीं है, मारता क्यों नहीं है? सर वो लोग असली मुजरिम नहीं है, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। खन्ना मर्डर केस में असली मुजरिम है लाला रोशनलाल, जिसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर अगर आज हम लाला के दो आदमियों को मार भी देंगे उससे फायदा क्या है? लाला कल जाके चार आदमी और खरीद लाएगा। पेड़ की टहनियों को काटने से कुछ फायदा नहीं होगा, पेड़ को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। हमें उन आदमियों को इस्तेमाल करना चाहिए लाला तक पहुंचने के लिए। मुझे तुम पर भरोसा है। जाओ। सर क्या रे तू बीड़ी बीड़ी फूंकता रहता हमेशा, गलत काम करता बस। क्या कर रहा है यार? ये कौन है? नमस्ते मिठू भाई। चल हट रे। लाला का भाई है, उसकी जान है साला। गोली वाड़े में मंसूर दादा, दादा पाए लगो दादा। दादा खबर मिली है कि मोहल्ले में कोई बाहर का आदमी आया था, पुलिस ने उस पर गोली चलाई। मर गया? नहीं वो बच गया है। लाला वो हमारे बचपन का दोस्त है, नीचे ही खड़ा है,
आपसे मिलना चाहता है, बुलाऊं उसको? ये कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है, इसको ठंडा करना पड़ेगा। और अमर को भी साथ में लेके जाना, उसको बोलना ये उसका इम्तिहान है। एक बात बता यार, ये जग्गू भैया मुझे लाला से कब मिलाएंगे? हाँ, अरे मिलाएगा मिलाएगा, पहले ये इम्तिहान तो पास कर ले। होटल जानडू इधर ही मिलेगा वो। उतरो। ए बाहर निकल, बाहर निकल, जितना वाले जेब में सब निकाल। एक मिनट यार, बाकी के पैसे दे। कौन से पैसे? तेरे को मैंने 10 रुपए दिए थे। ए, ए, एक मिनट, दो वड़ा पाव का कितना? 4 रुपए। बाकी के पैसे निकाल। ए, ए, एक मिनट यार, ए, ए, इसको बता वड़ा पाव कितने का आता है? इसको बता, मालूम है कितने का आता है वड़ा पाव? 3.5 रुपए का आता है, समझे? फिर भी 3 रुपए बचते हैं। निकाल, मार दूंगा। अरे दे, अरे एक मिनट यार, तेरे को पैसे चाहिए ना? हाँ, तेरे को पैसे चाहिए ना? ये ले, ये ले पैसा। ए, ले ले, 2 रुपए और एक। ए, तेरे, अरे तेरे, देखो पैसा चाहिए। हाँ, दे दे, ये ले और पैसा ले, ये ले इधर आ। बाकी बोल रहा है, देखो। जिप बंद कर। हमेशा याद। क्या बात करता है यार, अभी तो अपन के पास खोली है, तू अलग कैसे रह सकता? हाँ, खोली तो है लेकिन कुछ ज्यादा छोटी नहीं है। और अगर मैं यहाँ सो गया तो आप लोग कहाँ सोगे? और वैसे मुझे अंदर बंद में नींद नहीं आती। हट, छोड़ साली को, ये तो किधर भी सो जाएगी। ए राजा, कितनी बार कहा तुझे कि सबके सामने मेरा इंसल्ट नहीं किया कर।
भाभी जी इंसुलेट नहीं इंसल्ट बोलती है साली। अब अमर तू ही बता, मैं दूसरी जगह ठिकाना काहे को ढूंढती है? ये तेरा दोस्त है ना, मुझे ठिकाना नहीं देता इसलिए। अरे मेरा दूसरे मर्द के पास जाना अच्छा नहीं लगता तो हाथ पकड़ के बिठाना घर पे, काहे को जाने देता है? हां बड़ा आया मर्द बनता है। ए रोमा खाली फुकट पंगा मत लेना। ए तू इधर से हिलना नहीं, तू मेरा भाई है यही सोएगा। चल निकल साली निकल। ए तो मुझे बाहर निकाल दो, मुझे निकाल कर। घर पे क्यों रहते हो यार? आराम से क्यों नाटक करते हो एक दूसरे के साथ? अरे पागल है साली, सुबह शाम एक ही चीज बदलती है, शादी बनाओ शादी बनाओ शादी बनाओ। दिमाग खराब है क्या? पुलिस की गोली से कल मर गए तो तू क्या करेगी? क्या करूंगी? अरे सफेद साड़ी पहनकर सड़क पर भीख मांगूंगी, तेरा क्या जाता है? आज धंधा मिलता है कल नहीं मिलेगा। हाँ कुछ भी करूंगी, मेरी तकदीर है। तू बोल बोल, शादी बनाता है? बोल बुला के लो पंडित को, बोल ना बोल ना। साली आजा जा, अभी दिखा था यार, तुम हमेशा लड़ते रहते हो, मैं कहीं और जाके सो जाता हूँ। ए अमर तू इधर ही सोएगा। ए उठ उठ बिस्तर बना, उठ। नहीं बनाती, जा। इस घर में एक ही बिस्तर है, उसमें सिर्फ तू और मैं सोएंगे, बस बस। रोमा भाभी ने बोल दिया यानी कि बस, तुम दोनों यही सोगे और मैं जाके चल लड़ लड़ लड़। ए अमर क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोल। अरे पागल हो गया, दरवाजा खोलूंगा। क्या लैश कर लैश कर, गुड नाइट बाबा। अमर अरे रोमा भाभी गुड नाइट। अरे सीख सीख कुछ अपने दोस्त से, तू कहीं का। हेलो सर। मुबारक हो अमर, तुम अंडरवर्ल्ड की दुनिया की जड़, मेरा मतलब लाला रोशन लाल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। गॉड, अब देर किस बात की है, उसका विनाश कर दो। सर विनाश के रास्ते पर चलने से पहले मैं उन लोगों में मिल जाना चाहता हूँ ताकि लाला का मुझ पर भरोसा जम जाए। वो तो तुम कर ही लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी लाला से मुलाकात कब हो रही है? बहुत जल्द सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ए राजा चीटिंग कर रहा है तू? क्या रे तुम लोग मेरे को देख के चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, ये क्वीन मेरी है भाई। चल खड़ा हो, जरूर कुछ छुपा रहे हो, जरूर कुछ छुपा रहे हो। तू पूजा से मिलने गया था ना? हाँ गया था। तो साला बचपन का प्यार अभी तक भूला नहीं? तुम लोग को भूला मैं? भूला तुम लोग को? कैसी है वो? ठीक है ना? अच्छी है भाई। ए अमर तू शादी कब बनाएगा? जमाल बिल्ली सपने में मांस देखती है और रोमा शादी। मारूंगी ये भाई। ले जग्गू बना यार, अपने अच्छे दिन आ गए हैं। लाला ने याद किया है। अच्छा क्या बोला? लाला ने याद किया है, चलो चलो। मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। हां तू क्यों नहीं चलेगा, तू भी हमारा पार्टनर। चलो भाई चलो, लाला ने याद किया, चलो भाई। पुलिस का खबरी था, हमारे बचपन का साथी है अमर। जरूरी काम है, संभाल के करना।
नाम क्या उसका? मुरारी लाल। अच्छा मायला नाम मुरारी और दरगाह पे। अरे तेरे को क्या करने का नाम से, तू तैयार है ना? हाँ एकदम तैयार हूँ। गोली मारने वाले को लाला इनाम देगा और तुम तीनों को 3,000-3,000। और आपको कितना इनाम मिलेगा? मेरे को 5,000 मिलेंगे, मैं कैप्टन हूँ ना तुम्हारा। ए जग्गू भैया, मैं गोली चलाऊँ क्या? फेंक दे रुमाल बार, फेंक दे, पूरी गंदगी भरी है, फेंक दे, फेंक दे। लेकिन सूर्य का तो पहला टाइम है भाई। इसलिए तो इतना आसान बकरा कटवा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ना कोई पुलिस वाला होगा ना ही कोई सिक्योरिटी वाला। वो क्यों? मुरारी लाल को भगवान पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। बोलता है जिंदगी देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही है, फिर ये पुलिस वाले और सिक्योरिटी वाले क्या कर लेंगे? ठीक तो बोलता है वो। क्या खाक ठीक बोलता है? आज टपका दो साले को दरगाह में, तब जाके पता चलेगा कि देता कोई और लेता कोई और ही है। ये लो माजी। सब में बांट दो। अपने जैसा फुटपाथिया था वो, बहुत नीचे से ऊपर आया है, बहुत पैसा है उसके पास, देखना गरीब लोगों को रोज आके कुछ ना कुछ खिलाता रहता है, बेचारा अच्छा आदमी है वैसे। आज के बाद ये सारे बेचारे भूखे मरने वाले हैं, लेकिन अपन कर सके, तू तैयार है ना? हाँ हाँ। वैसे सूर्या, कल ये बेचारे बूढ़े बच्चे ये औरतें सब कहाँ खाना खाएंगी? वो तो लुढ़क जाएगा। अपने को क्या है यार, ये अपना 3,000 मिलेगा ना अपने को? हाँ अपना खाना मिलना चाहिए बस, बाकी सब भूखे मरते मरने दे, अपने को क्या है? तेल लेने क्या? तू तैयार है ना? बस ऑन कर उसको। हाँ वेरी गुड। सूर्य आ रहा है, वो आ रहा है, इसकी आंखों में देखना। बोलते हैं कि शरीफ लोगों की आंखों में देखने सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, आंखों में मत देखना। वो आ रहा है अभी, शरीफ लोग भगवान के लोग होते हैं, आंखों में बिल्कुल मत देखना। ओके भाई, बाबा के दरबार में आया हो, किसी राजा या अमीर के महल में नहीं। सर झुका के क्यों खड़े हो? सर उठा के खड़े हो जाओ। मार उसको, मार! जगु भैया पहाड़ी के पीछे मिलना, और वो देख पीछे पुलिस आ रही है, भाग यहाँ से, पुलिस आ रही है। Thank you.
छोड़ यार। तुम्हें इस हाल में देख के अच्छा नहीं लग रहा है। ए, गोली तेरे कान के पास से निकलती ना तो तेरा भी यही हाल होता। जग्गू भाई, फोन। मेरी बुड्ढी कहती थी बारिश आने से पहले बेटा घर की मरम्मत करा लेना, नहीं तो सब बह जाएगा। ये गोली कैसे चली जबकि किसी को मालूम नहीं था तू कहाँ जाने वाला है। तेरे को क्या लगता है जग्गू, पुलिस को किसने खबर दी? तेरे दोस्त से हाथ मिलाया था, ऐसा लगा जैसे सांप की कैंचली को छू लिया हो। नहीं लाला, ऐसा नहीं हो सकता, सबको मैं जानता हूँ, सब पुराने साथी है। जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता, सांप है वो सांप। पता तो लगा ये आने से पहले वो कहाँ था। पूजा, बड़े सालों बाद हम सारे बचपन के दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, साथ में खाना खाएंगे, खुशियां मनाएंगे। तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है, प्लीज मेरे लिए। हाँ, तुम्हारी हो ना पूजा, तुम्हारी हो ना। ठीक है। ओके। आहा, घर पे कितना भी अच्छा खाना बना लो, बाहर के खाने का कुछ मजा ही और होता है। हाँ, तेरे को तो बाहर की हर चीज अच्छी लगती है साली। ए, ताना काय को मारता है रे? घर पे बिठाने का इतना ही शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? बोलो ना इसको शादी करने इनके को। इनके बीच में पड़ने का कोई फायदा नहीं है, सिवाय एक दूसरे को ताना दिया कुछ नहीं कर सकते ये लोग। यार ये फिश बहुत कमाल की लग रही है। अरे यार, फिश तो साला दुबई में बनाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल के बाहर मद्रासी का एक छोटा सा ढाबा है, साला क्या फिश बनाता है यार। दुबई में ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जिससे वहां पे फिश नहीं खाया होगा। तू भी था ना अमर दुबई में, तूने भी खाया होगा द फिश, मच्छी कड़ी मद्रासी की। वही इंटर कॉन्टिनेंटल के बाहर कमाल की फिश बनाता है, कमाल की। पूजा, तुमने ऐसी फिश खाई नहीं होगी। झूठ साला। कौन है तू? तो कौन है? मैं? एक मिनट, कौन है तू? अरे अमर ही तो हूँ, और कौन हूँ? नहीं, तो वो अमर नहीं है जो बचपन में हमारे साथ में था। पुलिस वाला है ये। पूछा, बैठो। अगर पुलिस वाला नहीं है तो पुलिस का खबर ही है साला ये। क्या बात करते हो? इसका चमचागिरी मत करना, ये साला हम सबको फांसी में चढ़ाने आया है। साला ये पुलिस का खबरी है, इसने खबर दी थी पुलिस को और इसकी वजह से मेरे कान के ऊपर से गोली चली है। जगु, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। पूजा, तुम्हें उठना मत, तुम्हें किसी ने गलत बताया, समझे? ए, गलत बात तूने बोली है। साला दुबई में ऐसा होटल ही नहीं है, और कौन सा मदरसी का ढाबा, कौन सी मच्छी करी, शक्ल दे साले की शक्ल। झूठ बोलता है साला, इसको फंसाने के लिए मैंने झूठ बोला था और फंस गया साला। मदरसी का ढाबा? नहीं नहीं, अमर अपन का दुश्मन नहीं हो सकता। अमर, खा मेरी कसम। राजा, मैं कसम खा के बोलता हूं कि मैं तुम लोगों का दोस्त हूं, तुम लोगों का साथी हूं। बस हो गया, खलास, बैठ जाओ। ये कसम का तुम्हें मेरे सामने नहीं चलेगा। तू हमारा आदमी है और अगर पुलिस का आदमी नहीं है तो ये ले, ये ले, साबित करके दिखा, साबित करके दिखा और उड़ा दे किसी पुलिस वाले को, ले। बस इतनी छोटी सी बात, हो जाएगा काम, और कुछ? पूजा, 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 मेरी बात सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमर, मैंने तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। मैं तुम्हारा घर बसा सकती हूँ, दिन रात तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी गंदी नाली में गिरकर मरता नहीं देख सकती मैं, जो इन सब का हाल होने वाला है। पूजा, मेरी बात तो सुनो। अमर, जब तुमने उनका साथ देने का फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बोलो, मैं तो जा ही रही हूं ना। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी तरफ पीछे मुड़कर देखूंगी। अमर, मुझे मेरी जिंदगी से बहुत प्यार है,
मैं बुराइयों की आवाज सुनकर पत्थर नहीं बनना चाहती, पत्थर नहीं बनना चाहती। क्या रे, देख के चल। साफ गलतियों के साथ दारू पीना छोड़ना है तो याद रख, हट कर तुला। चल लेके जाओ उसको, चल चल चल। आजकल बहुत दारू पीता है। सर आपके लिए फोन है। नहीं, वो तो रहता ही रहता है, वो तो काम ही है हमारा। नहीं नहीं, यू डोंट वरी, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ, अरे यार तू साहब, तू एक मिनट। नमस्ते साहब। हाँ, आपने उस दिन पूछा था ना कि इस बैग में क्या साहब, मैं आपको सच सच बताने आया साहब। इस बैग में साहब ये मेरा पासपोर्ट है साहब, और ये साहब कुछ पैसे भी हैं। और हाँ साहब, ये मेरे पास पिस्तौल भी है साहब, और ये गोली भी है साहब। हम लोग क्या करते हैं साहब, ये गोली इसमें पिस्तौल में डाल देते हैं, और किसी को गोली मारने का होता ना साहब, तो ऐसे रखते। चलो जग्गू मान लेते हैं तुम्हारा दोस्त हमारे पुलिस का आदमी नहीं है। तो फिर है कौन? हम लोगों में मुखबिर कौन है, पुलिस का आदमी कौन है, ढूंढना तो पड़ेगा ही। मेरा शक कभी गलत नहीं होता। चल जा। ए, ए, क्या कर रहे हो जग्गू भैया? तब तो तू इम्तिहान में पास भी हो गया है। आंधे आंधे आंधे, अरे आंधे यार, मिठाई तूने रखी है ना? मैंने ऊपर रख दी है, रखी है। चल ना जल्दी। एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये दुनिया क्या दुनिया है, ये चक्कर क्या है सारा। बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये दुनिया क्या दुनिया है, ये चक्कर क्या है सारा। सच बोलने वाला जो है दर दर की ठोकर खाए, जो बोले झूठ हमेशा धन उसके दर पे आए। तो आंधे 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 रातें, जो चाल चले यहाँ सीधी है, जो चाल चले यहाँ सीधी वो कहीं पहुंच ना पाए, जो उल्टी चाल चले वो अपनी मंजिल पर आए। तो आंधे 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 आंधे। एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, आखिर ये क्यों होता है, क्यों लगता है कोई प्यारा, जब दिल में कोई समाए भूले ना भूला जाए, तू पता करो क्या आए, जब याद किसी की आए। तो आंधे 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 आंधे।
बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, क्यों दुगनी खुशी होती है जब मिले कोई दोबारा। बचपन का प्यार जो आए संग झूमे नाचे गाए, तो लगता है कि जैसे बचपन भी साथ में आए। यह जो भी आए जो भी मिल जाए, आए जो पैसा, पैसा हो जैसा, चाहे हो ऐसा चाहे हो वैसा, पैसा है पैसा, फिर मोटर गाड़ी, बंगला और बाड़ी। जब कोई लौट के आए, जब कोई लौट के आए, जब यार कोई मिल जाए, दिल झूम के नाचे लेकिन आंखों में आंसू आए। एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये दुनिया क्या दुनिया है, ये चक्कर क्या है सारा। सच बोलने वाला जो है दर दर की ठोकर खाए, जो बोले झूठ हमेशा धन उसके दर पे आए। मैं अपने प्लान में कामयाब हो चुका हूँ। पुलिस स्टेशन शूटआउट के ड्रामे में मैं उन्हें यकीन दिला चुका हूँ कि मैं उन्हीं का आदमी हूँ। ड्रामा उन लोगों के साथ कर रहे हो या पुलिस के साथ? सर क्या मतलब? मतलब यह है कि आज तक तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। राजा सूर्य जग्गू को पहचानने के बाद भी तुमने उन्हें खत्म नहीं किया, इसलिए नहीं कि तुम लाला तक पहुंचना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे बचपन के साथी हैं। सच तो ये है अमर कि तुम बिक चुके हो। सर आप मुझ पर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं। रिश्वत? पैसे की हो या जज्बात की, रिश्वत रिश्वत होती है। अब अगर तुम हमारे साथ अपनी वफादारी साबित करना चाहते हो तो अपने दोस्तों को अरेस्ट करो, ना माने तो गोली मार दो। सर कितना आसान है गोली चलाना, ट्रिगर दबाओ और लाश बाहर। सर वो लोग बुरे लोग नहीं हैं, उनमें अब भी अच्छाई बाकी है। शूट आउट के वक्त मैंने उनके हाथ कांपते हुए देखे हैं। बुरे लोग नहीं हैं मेरी तरह, सिर्फ फर्क इतना है कि मुझे मौका मिला अपने आप को सुधारने का, उन्हें नहीं। सर हमारी जीत उन्हें सुधारने में है, ना कि उन्हें मारने में। सर मैं वादा करता हूं 15 दिन के अंदर उन लोगों को आपके सामने ले आऊंगा और लाला की लाश आपके सामने होगी। ठीक है, तुम्हारे पास 15 दिन है, सिर्फ 15 दिन। अरे भैया उस तरफ वाली राखी बता ना। हाँ उस तरफ वाली। कितने की है ये? 10 रुपया का बहन जी, आपके भाई के कलाई में बहुत अच्छा लगेगा।
क्या देख रहा है? पूजा तो तेरी दोस्त है ना? नाटक क्या को करती है? मेरी बहनों के बहन को राखी नहीं बांधती है। चुप बैठ, चुप बैठ, चुप बैठ। तू मेरा दोस्त नहीं है, हाँ? तूने मेरा कहना माना? तेरे को मैंने कितनी बार बोला है छोड़ने को, छोड़ा तूने? बुरे काम छोड़ने को बोला, छोड़ा तूने? राखी नहीं बांधती है। अगर मैं सुधर जाऊंगा तो पूजा मेरे से बात करेगी? इधर आ, कल राखी है, वहां से एक राखी खरीद, उससे बंधवा, उससे वादा कर कि बुरे काम छोड़ देगा, नशेबाजी छोड़ देगा, फिर देख। अगर वो फिर भी नहीं मानी, फिर भी नाटक करी तो? सूर्या, यही तो फर्क है नशे और रिश्ते में। नशा टूट जाता है, रिश्ता टूटता नहीं, समझे? चल पागल, रोते नहीं, चल। डर गई, डरा दिया, डर गई ना? ए पूजा, ए पूजा, रुक ना, रुक 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 रुक। ये देख, देख मैं क्या लाया हूँ। अरे देख ना, देख, ये राखी, ले, बांध दे मेरे को, बांध। राखी का मतलब जानता है तू? जानता हूँ। एक बहन अपने भाई को बांधती है, इसके बदले में वो उसकी रक्षा करता है और बहुत सारे पैसे देता है। देख मैं भी लाया हूँ 200 रुपए। ले चल, जल्दी से बांध दे, चल। जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा सूर्या? हमेशा हमेशा तू ऐसी बातें करती है। अरे क्या कह रहा मैंने तेरा? क्या किया? क्या किया है तुमने? अमर को भी अपने जैसा बना दिया है तुमने, छीन लिया है तुमने उसे। तुम्हारी वजह से वो अलग हो गया है मुझसे। अलग हो गया? अच्छा हो गया ना? अगर वो तेरे साथ जुड़ा रहता तो अपना टाका तेरे साथ कैसे जुड़ता है? चल अपन किसी अच्छे होटल में चल के तेरा गम दूर करते। चलना। ए मिट्टू भाई, आज राखी है वो मेरे को राखी बांधने वाली है यार। चलना चर्सी, किसी और से राखी बंधवा, ये तो मेरे साथ चल रही है। ए मिट्टू भाई, वो मेरी बहन है यार, छोड़ यार। चलना चर्सी। स्टॉप इट। ओके साली नखरेत करती है। चमालो मेरी बहन पे आता था। हां जैसे ही पागल हो गया क्या? पागल हो गया मैं। छह टॉवल खून भा नोट आके आए नो। बुड्ढी बुड्ढी माँ मेरी रो रही है, सुन। बोल रही थी कि मेरे मरने से पहले तो मुझे दिन मत दिखा कि अपने जवान बच्चे का खून मुझे फर्श से साफ करना पड़े। सब बोलते हैं बहुत बदल गया हूं मैं और शांत हो गया हूं। मेरे जवान भाई को मेरे इलाके में किसी ने मारा, मैंने कुछ किया? मैंने कुछ किया? बस गुस्से से मेरे हाथ जरूर कांप रहे हैं। इधर आ, इधर आ, इधर आ। से बहुत डर लगता है, इससे पहले कि मेरा गुस्सा मेरे पास से बाहर हो जाए। तू समझदार है, उस सूर्या का कुछ कर, तू जानता है तुझे क्या करना है।
जल्दी राजा, यहाँ यहाँ छुपा है वो। वो रहा। पढ़ा लेगा आगे बताना। अरे लाला क्या भाड़ में, और उसका भाई भी क्या भाड़ में। देख आगे बताना, फोटा लेगा बोलता है, मैं फोटा लेगा, आगे बताना फोटा लेगा। देख फोटा लेगा, मेरी बात सुन, फोटा लेगा, कुर्सी दे मुझे, फोटा लेगा, चल कुर्सी दे, छोड़। कौन मारेगा? मैं हूं ना मैं उसको मारूंगा, मैं हूं ना इधर। कोई नहीं मारेगा तेरे को, कोई नहीं मारेगा, नहीं रे, नहीं नहीं, मेरे सूर्य को कोई नहीं मारेगा, मेरे सूर्य को कोई नहीं मारेगा, नहीं रे, रोना नहीं ना। ये मैंने पूजा के लिए बनाया, तू उसको शादी में दे देना, मैं तो गया। लो कर लो बात। अबे भाई तू है, तू उसको देगा, मैं क्यों दूं? हाँ, और तू, और तू रोता क्यों, रोता क्यों तू? मैं हूं ना इधर, तू रोता क्यों है? वो लोग मेरे को मार देंगे। अरे मेरा गेम कर देंगे। अरे कोई गेम नहीं करेगा, मैं हूं ना इधर, कुछ नहीं होगा तेरे को। नहीं सूर्य, नहीं चुप बैठ रोमा, तू इधर बैठ, इसका ध्यान रख, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना, मेरे को नहीं देख, मेरे को बड़ा लेंगे, रोमा उसका ध्यान रखना, रोमा उसको हिलने नहीं देना, कुछ नहीं होगा राजा, चल 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 क्या कर रहे हो सूर्य, इधर ही बैठो सूर्य, लगी है इधर सूर्य। तो शांत हो जाओ, शांत सूर्या, हम सब है ना, आवाज नहीं बाड़े लगे मेरे को, बाड़े लगे ना सूर्या, मैं जग्गू भैया को लेके आती हूँ, वो सब ठीक कर देंगे, मैं अभी लेके आती हूँ उनको, मैं फोन करती हूँ उनको, देख हिलना नहीं, रुक यहाँ पे सूर्या, मैं आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। बचा ले मेरे को, उतर उतर, अच्छा उतर, चल चल ना। इसके अंदर से आवाज आ रही है, रुक, मैं टैक्सी लेके आता, अमर अमर जल्दी ना, चल। पूजा, राम नाम जय हे, 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 ले अंदर दुकान बंद कर, बंद कर, हां हेल्प किया तुम लोगों को, जल्दी राम नाम जय हे,
पूजा बस कर राजा, बहुत पी चुका है। चला बोतल दे मुझे। नहीं, छोड़ छोड़ इसे। क्यों साला, अपने गले में कुत्ता भी शेर बनता है। छोड़ राजा, मैं कुत्ता भी नहीं हूं। मेरे गली में आके मेरे भाई को मार डाला, खलास कर दिया। साला सूर्या कल तक अच्छा खासा था, आज अंगार बन गया। इन अंगारों की कसम, सूर्या तुझे मारने वाले को एक एक को मारूंगा। खलास कर डाला। पागल हो गया। खलास कर डाला। पागल हो गया। दारू पी के पागल हो गया क्या? तू साला लाला से बगावत करेगा? जग्गू भैया, लाला से बगावत करेगा? जग्गू भैया, अरे वो शेर है, शेर। कल इधर सोना है क्या तेरे को? ओके सुनिया की तरह। ओके जग्गू भैया, समझा इसको? समझा? लाला से डरता है? चुप चुप राजा, चुप। बस 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 बसलो इकडे। मग नाही, डोंट वरी। अहो तुमची माणसं मी सोडणार नाही, असं कधी होईल? रकिस को, तू वहां क्यों आया था? मैं वहां इसलिए आया था और यही देखने आया था कि तू कौन से पंटर लोगों को अपनी गोदी में लेके बैठा है। मैं किसको भी गोद में लेके बैठू, तेरे को उससे क्या? तू अच्छी तरह जानता तेरे वहां आने से मेरा पूरा प्लान खराब हो सकता था, फिर वहां क्यों आया तू? ए भाड़ में गया तेरा प्लान। सर ये टपोरी लोगों से कुछ होने वाला नहीं सर, ये कभी सुधरेंगे नहीं सर, आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे ये। सर आप मुझे ऑर्डर दीजिए, इन सबका एनकाउंटर मैं अकेला कर दूं। तू मुझे हाथ मत लगा, तू मुझे किसी को मार दूं। सर आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी मदद करेंगे मेरे दोस्तों को सरेंडर करने में, फिर ये वहां क्यों आया? मैंने जबान दी थी मगर कब तक? मेरी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, मुझे भी अपने ऊपर वालों को जवाब देना होता है, हर बात की हद होती है। देखो अमर, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारी उस बस्ती में खून का एक कतरा और बहा तो मैं तुम्हें इस ऑपरेशन से बाहर कर दूंगा, समझे? सर, पूजा 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 चली जाओ यहाँ से। पूजा मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। पूजा मुझे कुछ नहीं सुनना है। Just go away. ये क्या पागलपन है? हाँ पूजा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप क्या बताने आए हो? आप कौन मर गया है? किसने किसका खून किया है? हाँ पूजा, जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम वो नहीं हो, तुम एक घटिया मक्कार धोखेबाज आदमी हो। देखो पूजा, पूजा मेरी बात सुनो, पूजा मेरी बात सुनो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ पूजा। हाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। आज तक मैं झूठ बोलता रहा लेकिन अब मैं सच बोलना चाहता हूँ। बचपन में पकड़े जाने के बाद कोर्ट ने मुझे बच्चों की जेल में भेज दिया।
वहां मैं उन बच्चों से मिला जिनका बहुत भयानक अतीत था, मगर भविष्य कुछ नहीं। पूजा, तुम चाहती थी ना मैं एक अच्छा आदमी बनूं, अच्छा काम करूं, वो मैंने किया। मैंने एक रिफॉर्म स्कूल में अपनी पढ़ाई की, उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग ली, और आज एक पुलिस ऑफिसर बनके मैं अपने अपनों को, अपने दोस्तों को सुधारना चाहता हूं, उनको सही रास्ते पर लाना चाहता हूं। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुमने मेरे भाई को बचाया क्यों नहीं अमर? वो जैसा भी था मेरा भाई था ना। मैंने उसको सुधारने की कोशिश की थी और शायद वो सुधर भी जाता, मगर वक्त ने उसे धोखा दे दिया। I'm sorry, पूजा। तुम और कुछ कहना चाहते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आज से नहीं बचपन से करता हूं। तुम इतनी दूर रहकर भी हमेशा मेरे करीब रही हो, आज जब तुम इतने पास हो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पूजा, मैं अकेला हूं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हमें अपने आप को संभालना होगा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। दुनिया से गम ही मिले हैं, दोनों में प्यार हो
ये कम्बक क्यों पीता? गम बुलाने के लिए। हे राजा, गम बांटने से घटता है, पीने से नहीं। आजा, अपने पास आकर बैठ, पी और अपने आंसू टपका। सल आप उनको भी कुछ मजा आवे, भाई के नहीं। चेयर्स। आजा, ए हटना। ए राजा बाबू के लिए कुर्सी लाओ। खलास। क्या किया तूने? क्या किया तूने? तूने लाला के भाई को मारा? लाला के भाई को मारा तूने? उसने मेरे दोस्त को मारा और अपने धंधे का उसूल। मत सिखा धंधे का उसूल मुझे। मुझे तेरी परब क्या है भाई? फोन। हाँ जी। पता नहीं क्यों घर की सब औरतें रो रही हैं। बिट्टू भी कुछ बोलता नहीं है। अजीब सा लाल लाल बदन पे लगा रखा। जगो तो आजा। हाँ जी। गाड़ी भेजूं? मैं आ रहा हूं। लाला के पास जाना है। मैं संभाल लूंगा। जब तक मामला ठंडा ना हो जाए तू यहां से चला जा। जब तक मैं बुलाऊं नहीं तू वापस मत आना। तू समझा? हंस मत। जा जा। सर आप मुझे बताइए हम कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? सर अगर इसी वक्त हमने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे और लाशें गिरेंगी, तबाही मचेगी। सर सर वी मस्ट पुट एन एंड टू ऑल दिस। मामला बिगड़ चुका है मैं ये मानता हूँ, पर हमें अमर से पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। सर लेकिन ये अमर तो उन्हीं का आदमी है, वो तो सिर्फ यही कहेगा कि मुझे और एक मौका दो। सर कब तक हम इन लोगों को मौके देंगे? सर सर ऐसे लोगों को मौका नहीं बल्कि सजा देनी चाहिए, सजा। ओके चौहान, ढूंढ निकालो राजा को एंड अरेस्ट हिम। अच्छा सर अब मुझे बताइए अगर वो रेजिस्ट करता है तो? शूट हिम। अबे बोल राजा का, मेरे को क्या मालूम राजा का? एक अगर तू उसका दोस्त है ना तो बता दे, वरना उसको देखते ही गोली मारने का ऑर्डर आ चुका है, समझे? चल। अरे राजा मैंने ठेका लिया है क्या? चल उसको गाड़ी में। कुछ बता, मेरे को उठा के लेके जा। दो चार पड़ेगी ना, मार मार अपने आप पकेगा। चलो राजा का। मुझे नहीं मालूम। रोमा राजा कहाँ है? कहाँ है राजा? चलो। ए राजा, राजा, ए राजा, ए अमर, ये यहाँ खड़ा है। क्या किया तूने? पीछे हटो रोमा, तू पागल हो गया, तू पागल हो गया। अमर गोलियां क्यों चलाई वहां?
चार चार लाशें बिछा दी, ये क्या करूं मैं तेरा, क्या करूं मैं तेरा? क्या उखाड़ लेगा लाला, काट कूट कर फेंक देगा किसी गटर में? क्या फर्क पड़ता है यार खलास? फर्क पड़ता है राजा, फर्क पड़ता है, तुझको नहीं मुझको, मुझको फर्क पड़ता है, तेरे होने वाले बच्चे को फर्क पड़ता है राजा। क्या बोली रे तू? हाँ राजा, डॉक्टर ने बोली मेरे पेट में तेरा बच्चा है। राजा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। Stop the fire! Hey, Inspector Amar, ये मेरा ID card है. Stop the fire. राजा, तू भाग जा। मैं special duty पर हूँ. कोई आगे नहीं बढ़ेगा. ये केस मेरे हाथ में है. जा, राजा जा. कोई गोली नहीं चलाएगा. बोलो ना. कोई गोली नहीं चलाएगा. कोई आगे नहीं बढ़ेगा. राजा जल्दी. कोई कुछ नहीं बोलेगा. कोई शूटिंग नहीं करेगा. राजा, ए, नहीं, नहीं, क्या? जा, नहीं, उसकी फिक्र मत कर. नहीं राजा, मैं रोबा, मैं हूँ. नहीं, नहीं राजा, जाके लेके एम्बुलेंस. पुलिस वाला आइए. मैं इंस्पेक्टर अमर, ये मेरा आईडी कार्ड है. सब ठीक हो जाएगा रोमा, फिक्र मत करो, राजा आ जाएगा. पुलिस का कुत्ता कैसे बन गया? राजा, मैं अब भी कहता हूं मैं तेरा दोस्त हूं. नहीं, तू पुलिस वाला है. हाँ, मैं पुलिस वाला हूं, मगर साथ में तेरा दोस्त भी हूं. तू झूठ बोलता है अमर, और दोस्त झूठ नहीं बोलते. नहीं, माना कि मैंने झूठ बोला, मगर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग उस नर्क से निकल जाओ. तूने सूर्य को मरवा दिया, ये दोस्ती? मेरी रोमा को मरवा दिया, ये दोस्ती? ना अमर, तू मेरा दोस्त था जब हम बच्चे थे. राजा, तू मुझे गलत समझ रहा है. वहां जो कुछ भी तूने देखा सब कुछ तू कलास. देख राजा, पागलपना मत कर. तू झूठ बोलता है साला, तू कलास. राजा, बात समझने की कोशिश कर. बंदूक नीचे रख, मालूम नहीं कि हॉस्पिटल है. देख, देख बनता है. बात समझने की कोशिश कर. तेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं. लाला के आदमी तेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं. देख, अगर तुझे कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं बचा सकता हूँ. ये बंदूक मेरे हवाले कर. डरता कौन है? चलो गोली, चलो, चलो. अपना नहीं तो कम से कम अपनी औरत का तो सोच. अगर तुझे कुछ हो गया तो इसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसका क्या होगा? अगर लड़की हुई तो वो भी इस बेचारी की तरह कई धंधा कर रही होगी, और अगर लड़का हुआ तो तेरी तरह वो भी कई पुलिस से भाग रहा होगा, और एक दिन पुलिस की गोली उसके सीने में ताकती जाएगी. देख राजा, बंदूक मुझे दे दे, दे दे बंदूक मुझे. राजा, इसके बाद वाले बंदूक दे दो. राजा, सारे तू ही बची थी. और तू भी इसकी बातों में आ गई. नहीं राजा, ए राजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे. तू कसम का, मेरे होने वाले बच्चे की कसम का, रोमा और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा. कसम का,
कसम खाता हूं कुछ नहीं होगा। तलवार स्पीकिंग। सर मैं अमर बोल रहा हूं। बोलो। सर राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और जग्गू? सर वो भी हो जाएगा। जैसे ही जग्गू सरेंडर करे मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। यस सर। आज तो नहीं आ रही। 8 घंटे हो गए मरे हुए। इंसान की लाश है कोई साधु संत तो है नहीं। पास तो आएगी। मसला हो गया है। जवान दे दिया मैं बुढ़ी को। वचन दे दिया। मिट्टू की लाश के साथ साथ तेरे भाई की लाश भी जला। मेरे भाई को मेरे भाई मेरी मेरे चुप। इसके रोने की वजह से ही मैंने धंधा शुरू किया। मेरे भाई को 8 साल का था जब पहला मर्डर। आज तेरे भाई ने और तूने मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया। देख चमत्कार हो गया। मेरा भाई मर गया। उधर देख। हो गया ना चमत्कार। प्रलय का समय आ गया है। प्रलय का। मेरा भाई तो मर गया और ये मरा हुआ पुलिस वाला जिंदा हो गया। देख तू अपने भाई को मुझसे जितना दूर भगाना चाहता है भगा भगा। लेकिन वो तेरा दोस्त अमर वो पुलिस वाला उसको आज इधर लेकर आ। अभी ठीक है। ये ले, ये टिकट है। 11:30 बजे की फ्लाइट है। तू जा। और मैंने लाला को सब कुछ समझा दिया है। कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा। तू जा। पूजा तू रोमा को लेकर अस्पताल जा। और अमर तू मेरे साथ चल। लाला के भाई के जनाजे में जाना है। भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। क्या किसने भड़काया तुझे? किसने भड़काया तुझे? जो दोस्त होते हैं वही साले धोखा देते हैं। पीठ पे वार करते हैं। देखा नहीं सुनिया का क्या हुआ हो? और पुलिस कुछ नहीं करेगी। कमीने होते हैं साले। एनकाउंटर कर डालेंगे तेरा। समझा तू? उससे ज्यादा ईमानदार लोग तो हम हैं। ए जग्गू भैया धोखा किसने दिया? हाँ पीछे से वार किसने किया? देखो अगर मैं अपना मुंह खोल दूंगा तो खामखाम लफड़ा हो जाएगा। क्या लफड़ा हो जाएगा? क्या लफड़ा हो जाएगा?
साला पुलिस का कुत्ता बनके मेरे भाई के साथ दोस्ती के नाटक करता है तू? नाटक मैंने किया या आपने किया जग्गू भैया? क्या मतलब? सूर्या को सीटी मार के किसने बुलाया? उसका खून किसने करवाया? मैंने या आपने? झूठ बोलता है साला, मैं क्यों अपना को मारूंगा? हाँ, और अगर तुझे पहले से पता था तो पहले ही क्यों नहीं बताया तुमने? कैसे बताता मैं? मैं नहीं चाहता कि एक भाई दूसरे भाई का खून कर दे। ये तेरे छोटे भाई के सर पे खून सवार था, उसको बोलूं मैं? एक गोली मारने दे, मुझे अपने वचन से मुक्त कर दे, सिर्फ एक मौका। नहीं, अपन अपने पे गोली नहीं चला, नहीं चलाती गोली। चल छोड़ छोड़, आप मुझ पे गोली चलाओ, मैं उन गैरों के हाथों से मरना नहीं चाहता, अपनों के हाथों से मरना ज्यादा बेहतर है। आप मुझ पर गोली चलाओ ना, लेकिन मारने से पहले मुझे एक बात बता देना, सूर्या की मौत के बोझ से कैसे बचोगे तुम? उन आंखों को देखो, उनकी खामोशी से कैसे बचोगे तुम? ये बताने के बाद आप मुझे गोली मार दो, मारो ना गोली। हे जग्गू भैया, माफी मत मांगो जग्गू, मत मांगो माफी। तुम तो मेरे अपने हो, तुम्हें माफ करने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। अगर तुम सचमुच पछता रहे हो तो फिर जाओ अमर के साथ और उस आतंक को खत्म करो जो तुम लोगों ने शहर में फैलाया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुंबई की सड़कों से जो अंगारे निकलते हैं उन्हीं अंगारों से हम सब निकले। जो जख्म तुम्हें मिले हैं वो जख्म मुझे भी मिले हैं, फर्क सिर्फ इतना है मुझे मौका मिला, मैंने अपने आप को सुधार लिया। अब ये मौका आपको मिला है, जगो भी अपने आप को सुधार लो, सुधार लो अपने आप को। आदमी ऊपर है, पुलिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। राजा जग्गू भैया कहाँ है? मैं देखता हूं। चल देख। Ah!
रोमा राजा कुछ नहीं होगा, डरना मत, कुछ नहीं होगा। रोमा को इस हालत में कब तक रखेंगे? क्या होगा अमर, कुछ करो। बस लाला बस।
बहुत भाग लिया इन टांगों पर, अब मैं तुझे और भागने नहीं दूंगा। तू ऐसे मरने वाला है तो फिर भी भागेगा? बहुत जान है इन हाथों में ना, इन्हीं हाथों से तूने बेगुनाह लोगों को मारा था ना। तेरे हाथ पांव तो मैंने तोड़ दिया है, मगर मैं जानता हूं तू फिर भाग जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी निकल जाएगा, क्योंकि तेरे पास बहुत पैसा है, फिर बुरे काम शुरू कर देगा, मासूम इंसानों की जाने लेगा, फिर अंगारे पैदा करेगा, बच्चों को गलत काम सिखाएगा। लेकिन उसका इंतजाम है मेरे पास, है उसका इंतजाम मेरे पास, तू देखना चाहता है? रोका आत्मसमर्पण करने के बाद जग्गू पुलिस का मुखबिर बन गया और उसे संगठित अपराध के जुर्म में 6 वर्ष की सजा मिली। राजा भी पुलिस का मुखबिर बन गया, उसे हत्याओं के जुर्म में 10 वर्ष की सजा हुई और अमर के ऊपर पुलिस विभाग ने जांच आयोग बैठाया। जब कोई लौट के आए, जब कोई लौट के आए, जब यार कोई मिल जाए, दिल झूम के नाचे लेकिन आंखों में आंसू आए, तो आंदे 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 आंदे। एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये दुनिया क्या दुनिया है, ये चक्कर क्या है सारा, सच बोलने वाला जो है की ठोकर खाए, जो बोले झूठ हमेशा धन उसके दर पे आए।